वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफ। आज हम जानेंगे वाइट काजल के बारे में। ठीक है, बाप रे, बड़े बुजुर्गों ने सुन लिया ना तो सोचेंगे बाप रे क्या जमाना आ गया कि ब्लैक काजल तो होता है हमें पता है लेकिन व्हाइट काजल क्या होता है। लेकिन जी फ्रेंड्स, आजकल ये मार्केट में है और बहुत ही ट्रेंड में है। तो आजकल यंगस्टर्स तो बहुत बोल्ड लुक चाहते हैं और दे वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। सो ऐसे लोगों के लिए जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो परफेक्ट है फ्रेंड्स। ये जो काजल पेंसिल है मैंने लिया है ऑनलाइन, मैं आपको लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। दिस इज फ्रॉम ब्रांड स्टेक वर्की। तो एज इट इज आपको तो पता ही है कि स्टेक वर्की जो ब्रांड है काजल कॉस्मेटिक्स लिपस्टिक्स, उसमें बहुत ही अच्छा रिनाउंड ब्रांड है। ये इस पे लिखा हुआ है कि टू लुक टू ग्लैम टू गिव अ डैम। नाइस कैप्शन, मुझे कैप्शन तो बहुत अच्छा लगता है इनका। ओके, चलिए आप देखते हैं इनके क्या कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कई बार कैसी पार्टी वार्टी में जाना होता है और यू फील डल, सो इंस्टेंटली आपको एक अच्छा सा ब्राइट लुक देने के लिए, एकदम आपके आईज ना पॉपअप होने के लिए एंड इसके लिए काम आता है। दिस मेक्स योर लुक आईज लुक वेरी बिग इंस्टेंटली, मतलब बिल्कुल टायर्ड से नहीं लगते आप और इमीडिएटली आपके आईज ना बड़े लगे। चलिए लगा के देखते हैं। नीचे आपने वाटर लाइन पे लगाना होता है फ्रेंड्स, और देखिए यू कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, स्ट्रेट अवे आपका आई ना बड़ा लगने लगता है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते। आप अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ ये वाटर लाइन पे काजल की तरह लगाने के लिए है तो नहीं फ्रेंड्स, इसको आप और भी तरीकों से यूज कर सकते हैं। अब मैं ऊपर तो नहीं लगा सकती, मैं आपको पता है मुझे आई साइज की प्रॉब्लम है, मैं हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। अगर आपको व्हाइट लाइनर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने पहले क्या करना है, व्हाइट लाइनर को ले लीजिए, व्हाइट काजल को ले लीजिए और एक थिक सा आपने ऐसे आईज पे लगा लेना है। ठीक है, थोड़ा सा थिक ना आप लगा लीजिए, समझ लीजिए आपने ऐसा लगा लिया ऊपर, और नीचे से पतली सी लाइन आपने इसका लगाना है ब्लैक। देखिए दैट गिव्स अ वेरी ड्रामेटिक लुक। अगर आप आईज पे ऐसे लगा देंगे, पहले आईज व्हाइट लाइनर लगाएंगे, व्हाइट काजल लगाएंगे, उसके ऊपर से आप ब्लैक दे देंगे तो वो भी बहुत ड्रामेटिक लुक लगता है, जैसे फंक्शंस में जो रेगुलर नहीं वैसे। उसके बाद थर्ड आप कैसे यूज कर सकते हैं, आप ये आपके जो टियर डक्ट रहता है ना, कॉर्नर्स ऑफ द आई, उसके पास भी आप, मैं पास आके नहीं देख सकते फ्रेंड्स, आपको एक आइडिया दे देती हूँ आप कर सकते हैं। कॉर्नर ऑफ द आईज को भी आप ऐसे कई बार देखिए, आईज को ब्राइट लगने के लिए आप ऐसे हाईलाइट करते हैं कॉर्नर ऑफ द आईज को, जैसे लगते चम वो बहुत ब्राइट जैसे शाइनी लगते हैं ना। तो अगर आपके पास हाइलाइटर वगैरह नहीं है तो यू कैन यूज दिस एज अ हाइलाइटर, यू कैन हाईलाइट योर कॉर्नर्स ऑफ द आईज। ओके, और दूसरी बात, आप ना कई बार होता है हाइलाइटर नहीं है, एक पेंसिल से आप बहुत सारा, कहीं फंक्शंस में चले गए आप भूल गए, पूरा किट नहीं लेके गए, एक भी ये एक ए भी है ना फ्रेंड्स, तो आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं इसको आईब्रोज के नीचे एज अ हाईलाइटर। ओके, सो नीचे लिख लगा के ऐसे स्मर्ज कर लीजिए, आपके बिल्कुल भी डिफाइंड लगेंगे आपके आईब्रोज। देन दूसरा इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप, कई बार देखिए शेडो, आई शेडो आप बहुत लाइट कलर लगाते हैं वो पॉपअप नहीं होता, क्योंकि आपका ऑलरेडी ये जो आईलिड्स है थोड़े डार्क है तो लाइट कलर्स पॉपअप नहीं हो रहे उस पर। तो आपको एग्जैक्ट कलर अगर चाहिए ना फ्रेंड्स, तो आप इसको ना पूरा आई पे अच्छे से, यू कैन यूज इट एज अ कंसीलर। ठीक है, कंसीलर की तरह या फिर प्राइमर की तरह लगा के ना, लाइट कलर ये वाला, उसके ऊपर आप कोई भी शिमरी सा न्यूड कलर्स डालेंगे ना, तो फ्रेंड्स बहुत ही परफेक्ट कलर आपको दिखेगा, जो आपको चाहिए
वो कलर आपको दिख सकता है। ठीक है, एक हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके आपके कोई छोटे छोटे से रेड रेड स्पॉट्स रहते हैं, देखिए कभी पिंपल हो गया या फिर छोटा सा कोई ब्लेमिशेस है, तो भी आप उसको कंसीलर की तरह पहले कंसील करके फिर फाउंडेशन वगैरह लगा लेंगे, परफेक्ट। सो ये कई काम करता है। तो आई वुड सजेस्ट ऑल द यंगस्टर्स टू हैव वन काजल, व्हाइट काजल पेंसिल इन देयर किट। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आप मुझे लगता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो, अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, दिस इज ममता सेइंग बाय बाय।